फिर कैसा लग रहा है बर्थडे? पैसा खर्च करके बहुत बुरा लग रहा है। ये कौन बोलता है मेरे वीडियो में? गाइस वेलकम बैक माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स तीज के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। सुबह उठने के बाद झाड़ू पोछा कर ली हूँ, घर ठीक हो गया है, भगवान जी का पूजा कर ली हूँ फ्रेंड्स। और ये अभी आई थिंक 8 AM हो रहा है, सुबह का टाइम है, तो कढ़ी भी बना ली हूँ फ्रेंड्स। ये आलू बैगन की सब्जी बनाई हूँ, लौकी को कट वगैरह करके रखी हूँ, घोल के रखी हूँ, बस मुझे तरुआ छानना है। और ये फ्रेंड्स चावल भी बन चुका है, और ये देखिए कढ़ी भी बना ली हूँ। तो कुछ भी ये सब सूट नहीं की हूँ, छोटा सा ब्लॉग ही जाए यही कोशिश है मेरी। तो कढ़ी किसको किसको पसंद है, आ जाइए मेरे घर और आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं तरुआ छान ले रही हूँ, बिहार में बचका भी हम लोग बोलते हैं इसको। और यहाँ पे दूध निकाल के रखी हूँ फ्रेंड्स, बर्फ जमा हुआ है, थोड़ा मेल्ट हो जाए खीर बनाऊंगी। और ये खाना निकाल ली हूँ फ्रेंड्स हस्बैंड के लिए, आलू बैगन का सब्जी है, पापड़ है, लौकी का तरुआ, बैगन का तरुआ और हरी मिर्च है फ्रेंड्स। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? डायरेक्ट मैं आप लोग से साहब को मिल रही हूँ। तो बस अभी हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बारिश हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं बोली नहीं जाएंगे जाएंगे। तो मैं बस रेडी हो गई हूँ और मैं खीर भी बनाई हूँ, उसमें जस्ट अभी शक्कर डाली हूँ, तो आप लोग को दिखा देती हूँ। और इसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर, कुछ खाएंगे, केक कट करेंगे, छोटू सा सेलिब्रेशन करेंगे। और ये देखिए मेरा मेहंदी का कलर, ये बहुत गंदा गंदा कलर होते हैं अब प्यारा, देखिए। तो ये मैं जब तीज वाला ब्लॉग शेयर की थी तो उतना अच्छे से नहीं दिखाई थी बिजी होने के कारण। तो चलिए, गर्मी लग रहा है इसलिए मैं पूरा बाल बांध ली हूँ, खोली थी, ओपन था, लेकिन मैं फिर ना पूरा बांध ली गर्मी लगने के कारण। और अभी बैलकुनी में आके खड़ी हूँ, घर के अंदर ना थोड़ा गर्म हो गया है और बाहर में ना ठंडा ठंडा, देखिए साउंड आ रहा है ना गणपति जी का। तो चलिए बने रहिएगा, पहले आप लोग के साथ खीर दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स बस किचन में जा रही थी तब तक ध्यान आ गया कि चलिए आप लोग के साथ ड्रेस शेयर कर देती हूँ। और ये फ्रेंड्स हस्बैंड के लिए न्यू जीन्स है, और नीचे आप लोग देख सकते हैं कुछ पेपर वगैरह जो भी न्यू ड्रेस का होता है ना नीचे फेंक दिए हैं। ऐसा किसके किसके घर में होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, फेंकते चले जाते हैं फिर मैं उठाती हूँ। फ्रेंड्स ये मैं दो शर्ट और जीन्स ना हस्बैंड के को ना बर्थडे में जबरदस्ती खरीदी हूँ, जस्ट लाइक ए गिफ्ट भी है। और ऐसे भी कपड़ा तो बहुत ज्यादा यूज में आता है, न्यू चाहे आप जब भी ले लो। तो बस ये मैं ली हूँ फ्रेंड्स, और प्रॉमिस ले ली थी पहले ही कि मुझे आप मार्केट ले चलिएगा तभी मैं खरीद पाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए ना खीर बनाई हूँ, उनको खीर बहुत पसंद है, तो 3 लीटर दूध में एक मुट्ठी मात्र चावल डाल के बनाई हूँ खीर। बहुत टेस्टी बना है और काफी देर में भी बना है, जितना टेस्टी है उतना ही देर में बना है, धीरे धीरे दोपहर से ही बन रहा था तो फाइनली कंप्लीट हो गया, बस शक्कर ऐड की हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग घर से निकल गए हैं और घर से कुछ दूरी पर आ गए हैं, यहाँ पर हम लोग केक परचेस करेंगे। और ये वाला शॉप बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, यहाँ पे वैरायटी का चाट वगैरह भी मिलता है और गुपचुप भी मिलता है, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के ढोकला, समोसा, कचौड़ी, ये सब भी मिलता है। कभी मैं आऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, अभी तो सिर्फ हम लोग केक ले रहे हैं और स्वीट भी लिए हैं घर के लिए। बस यहाँ से केक लेके फ्रेंड्स फिर हम लोग निकल जाएंगे। और पता है फ्रेंड्स, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बर्थडे में बारिश तो मत पूछिए, हर साल ही बारिश होती है। 31 अगस्त मेरे हस्बैंड का बर्थडे है फ्रेंड्स, और 6 सितंबर मेरा बर्थडे है, तो नेक्स्ट ब्लॉग भी आप लोग के साथ बर्थडे का ही शेयर करूंगी। फ्रेंड्स केक लेने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं होटल, और होटल का नाम है फ्रेंड्स ब्लू स्काई। तो बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर होटल है, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। और मेरा पहले से ही सोच रहता है कुछ नए जगह पे जाएंगे, सेम टू सेम जगह पे नहीं जाएंगे। तो बाहर का बहुत बड़ा एरिया था फ्रेंड्स, लेकिन जिस कॉर्नर को मैं चाह रही थी बैठना पसंद कर रही थी वहां पे वेटिंग था, तो बस उसी होटल में अंदर में हम लोग आ गए हैं।
ब्लू मोमेंट्स करके ये वाले जोन का नाम है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, क्योंकि बाहर में खुले जगह वाले में जो शीट मुझे पसंद था वो मुझे नहीं मिला, वेटिंग था और फिर देर लगता, तो हम लोग इस जोन में आ गए हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक ए होटल जैसे ही है और म्यूजिक भी चल रहा है, और जो आप दिला दोगे वो ले लूंगी। बर्थडे तो आपका है, मेरा थोड़ी है। मतलब नया नया कपड़ा वपड़ा पहन के इतना, ओह माय गॉड। घर में तो मुझे बोल रहे थे नहीं जाते हैं, बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी होती है मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है तो अपने बर्थडे से भी ज़्यादा रहता है कि अच्छे से, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूं। और मेरे हस्बैंड हमेशा ये बात भी मुझे कहते हैं कि शादी से पहले तो मैं अपना बर्थडे कभी ध्यान ही नहीं देता था कि अच्छा आज मेरा बर्थडे भी है, लेकिन शादी के बाद आप बहुत ध्यान देते हो, इस टाइप का जरूर से बोलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। पैसा खर्च करके ये कौन बोलता है मेरे वीडियो में, पैसा खर्च करके बुरा लग रहा है। नहीं नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ झूठ ऐसे बोलते हैं क्या, दुखी हो पैसा खर्च। फ्रेंड्स पता है, मैं भी शर्ट थैंक यू नहीं बोल रहा मुझे, और बोलते हैं मेरा बर्थडे तो मैं खिलाऊंगा कैसा लग रहा है, फीलिंग वेरी गुड। फ्रेंड्स यही है जो कान का ऑपरेशन करवाए, और देख रहे हो ना सब चीज ऐसे ही है, ऐसा लग रहा है। फ्रेंड्स हम लोग खाना खा लिए, केक वगैरह भी कट हो गया है, इसके बाद आइसक्रीम खाने का मन नहीं है, आइसक्रीम घर पे भी है, तो बस हम लोग घर के लिए अब निकल रहे हैं, और ऐसे भी बारिश के कारण हम लोग को आने में भी देर ही हुआ था, तो चलिए थोड़ा बहुत जो ले पा रही हूँ फटाफट वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं ना अपने साथ ट्राईपॉड तो लेके आई ही नहीं थी, जल्दी में ध्यान ही नहीं था मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नहीं जान मीठा रहे चाहे सीठा रहे, खाने का चीज मैं खाती हूँ, तुम्हारे नहीं। ये है वो क्यों चलवा रहे हो। फ्रेंड्स हस्बैंड ले रहे हैं अपने लिए पान, और मुझे पान खाने का मन नहीं है, पहले भी लाए हैं मेरे लिए घर पे चॉकलेट पान, और बहुत सारे वैरायटी का यहाँ पे पान है फ्रेंड्स। और होटल के जस्ट सामने का व्यू है, होटल का नाम है स्काई ब्लू होटल, और स्काई ब्लू के जस्ट सामने इसी का ही ब्रांच है फ्रेंड्स, ब्लू वाटर। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आपके बर्थडे में जस्ट सामने वाले में आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग को एंड करती हूँ।